ये मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा और ओवैसी इन दिनों आमने सामने हैं। ये दोनों ही नेता अपने बयानों को लेकर खबरों में रहते हैं। इस बार दोनों के बीच मदरसे के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें वो मदरसे में पढ़ाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शर्मा के अनुसार मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। सुनिए जरा। ये मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा इस रास्ते से, तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा। अब मामला मदरसा का उठा है तो ओवैसी भला चुप कैसे रह सकते हैं? ओवैसी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का ध्यान अपने राज्य में बाढ़ से हो रही मौतों पर नहीं है, उनका ध्यान मुस्लिम धर्म से जुड़ी चीजों पर है। जब आरएसएस के नेता अंग्रेजों से माफी मांगने लगे थे तब आजादी की लड़ाई में मदरसे के लोग ही आगे आए थे और अपनी जान दे रहे थे। असम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया, यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इस तरह से इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। मंदिर मस्जिद के बाद अब मदरसा को लेकर विवाद है। इससे पहले ओवैसी ने मुगलों को लेकर भी एक बयान दिया था जिस पर जमकर हो हल्ला मचा हुआ था।